नमस्कार दोस्तों, आरसीबी के जीतने के बाद बदल गया 2024 की आईपीएल की पूरी तरह पॉइंट टेबल। जैसे कि दोस्तों आप सबने जानते हैं, कल आरसीबी और पंजाब के बीच मैच खेला गया जो कि काफी रोमांचक मैच रहा। इस रोमांच भरा मैच में आरसीबी ने जीत दर्ज कर लिया, जिसके बाद 2024 की आईपीएल में बड़ा उलट पुलट हो गया है। तो आखिरकार कैसा है आईपीएल 2024 की अब तक का पॉइंट टेबल की अपडेट, बताएंगे सारी अपडेट इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप सबने जानते हैं, कल आरसीबी और पंजाब के बीच मैच खेला गया, जहां पर आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग की शुरुआत काफी शानदार रहता है, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है पंजाब किंग की एक एक विकेट चला जाता है और अपनी पूरी 20 ओवर में पंजाब किंग ने 6 विकेट खोकर 176 रन बना पाया। 176 रन पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत काफी खराब रहता है। आरसीबी की कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर नहीं रुक पाता, लेकिन अकेला विराट कोहली 77 रनों की बदौलत आरसीबी ने 4 विकेट लेकर 19 ओवर में ये मैच को जीत लेते। चले अब नजर डालते हैं आरसीबी की जीतने के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल की अपडेट के बारे में। पॉइंट टेबल के नंबर 1 पर राजस्थान है, जहां पर वो एक मैच खेलकर 2 पॉइंट के साथ है। वही नंबर 2 पर चेन्नई सुपर किंग है, कुल एक मैच खेलकर 2 पॉइंट साथ है। नंबर 3 पर गुजरात है, जहां पर वो एक मैच खेलकर 2 पॉइंट है। वही नंबर 4 पर कोलकाता है, जहां पर वो कुल एक मैच खेलकर 2 पॉइंट है। वही पांचवें नंबर पर पंजाब किंग है, जहां पर वो कुल 2 मैच खेलकर एक मैच में जीत कर और एक मैच में हार कर 2 पॉइंट साथ है। वही नंबर 6 पर आरसीबी है, जो कुल 2 मैच खेलकर एक मैच जीत और एक मैच हार कर 2 पॉइंट है। वही नंबर 7 पर सनराइजर हैदराबाद है, जो कुल एक मैच खेलकर 0 पॉइंट के साथ है। वही नंबर 8 पर मुंबई इंडियंस है, जो कुल एक मैच खेलकर 0 पॉइंट के साथ है। ऐसे ही नंबर 10 पर दिल्ली कैपिटल है, जो कुल एक मैच खेलकर 0 पॉइंट के साथ है। और नंबर 10 पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो कुल एक मैच खेलकर 0 पॉइंट के साथ है। तो दोस्तों ये रहा आईपीएल 2024 की अब तक का पूरी पॉइंट टेबल। आगे की पॉइंट टेबल जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब